उधर इमरान खान ने भी सिद्धू की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना दोस्त बताते हुए दावा किया कि अगर सिद्धू पाकिस्तान से आकर चुनाव लड़े तो भी जीत जाएंगे। तो फिर से वेलकम करता हूं और खास तौर पे निर्जोत सिद्धू आपको। और मैं अच्छा आखिर में एक चीज, मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है? और वो आज उन मालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो वो तो पागलपन है जंग का सोचना, वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है, वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहाँ के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहाँ, आप बिशा किधर आके इलेक्शन लड़ने, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं, जिस बाबा नानक ने कहा ना कोई हिंदू ना